हेलो एवरीवन, डाउट नेट में सभी बच्चों का स्वागत है। हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा। 6 PM पे राधिका मैम की लिटरेचर की क्लास स्टार्ट होती है। कितने बजे होती है बेटा? 6 PM पे लिटरेचर की क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास हमारी 7th है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोल रहे हैं मैम क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है। क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। चैप्टर हमारा नया है आज की क्लास में। थोड़ा सा इशू था, इसीलिए दूसरी PPT लग गई थी, यानी कि थोड़ा सा क्लास का कुछ इशू था। अब यहाँ पे द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट हमारा चैप्टर है आज का। क्या चैप्टर है? द स्टोरी ऑफ क्रिकेट हमारा नया चैप्टर है। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या किया था? द गार्डन स्नेक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्या किया था? द गार्डन स्नेक हम लोगों ने कल की पोम में किया था, ठीक है। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? द स्टोरी ऑफ क्रिकेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में बढ़िया सा नया सा चैप्टर है। और बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जब मैं आप लोगों से पूछूंगी ना, आप लोग कमेंट्स में डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं थोड़ा बहुत जवाब दे दूंगी कि भाई मैम ने ना बच्चों की कमेंट्स आज देखनी है थोड़ी सी, ताकि एक अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो व्हाट वी विल लर्न टुडे, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हम लोग करने वाले हैं क्विज़। हमारी 2 क्विज़ होंगी जिसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे हमारे चैप्टर से रिलेटेड। हमारे 2 वर्ड्स होंगे वोकैबुलरी के। किसके वर्ड्स होंगे? 2 वोकैबुलरी के वर्ड्स भी होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग पे। अब बेटे चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ये किससे रिलेटेड है? हमारी क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, यानी कि क्रिकेट कैसे आया, बैट और ये जो बॉल था, ये जो स्टम्प्स होते हैं, यानी कि आगे जो 3 हमारे वुडन लकड़ियाँ जो सीधे सीधी खड़ी होती हैं उसको हम स्टम्प बोलते हैं। विकेट्स क्या होते हैं, बॉलिंग कैसे करनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने एम्पायर होंगे, कितने प्लेयर्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड हमारा क्या होगा? चैप्टर। अब बच्चों को पता है क्या कि हमारा जो क्रिकेट का मैच होता है वो कितने दिन तक चल सकता है? शॉर्ट सीरीज़ में कितने दिनों तक क्रिकेट का मैच चल सकता है? कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि मैम इतने दिन तक ना क्रिकेट का मैच चल सकता है। हमारी सीरीज़ कैसी होती है? कौन कौन है भाई क्रिकेट का फ़ैन? कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैम हम तो भाई क्रिकेट के फ़ैन हैं, हमारा जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा पसंद है हमें, आप बता सकते हैं। चैप्टर पढ़ते हैं। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अब यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं हमारे, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हमारे जितने भी गेम्स हैं वो सारे हमारी हेल्दी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ वन वे इन विच वी एम्यूज आर सेल्स, कम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। अब यही चीज़ है, यानी कि जितने भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं उससे हम अपने लाइफ में खुशी ला सकते हैं, हेल्दी फिटनेस, सारी चीज़ें अच्छे से आ सकती हैं, हम इन्जॉय कर सकते हैं। किसकी मदद से? इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की वजह से। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। अब यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, पता नहीं कितने सारे गेम्स हैं जो कि फेमस है, पर इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? क्रिकेट है। इंडिया में तो क्रिकेट के लिए लोग सब चीज़ें छोड़कर बैठ जाते हैं टीवी के आगे जब हमारा क्रिकेट का मैच चल रहा होता है। तो लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। आखिरकार ये बच्चे जो बोलते रहते हैं भाई क्रिकेट का मैच देखना है, आज तो स्कूल में क्रिकेट का गेम चल रहा है, मैच चल रहा है, पर कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में पता है भाई क्रिकेट बना कब था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉल, हमारा बैट, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, किसने स्टार्ट किया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 years अगो। अब यहाँ पे कहाँ से आया था हमारा ये क्रिकेट? इंग्लैंड से आया था, जहाँ पे 500 साल पहले ना बहुत सारे स्टिक और बॉल की गेम खेलते थे। बहुत लोग आज भी ना क्या करते हैं अगर उनके पास बैट और बॉल नहीं होते तो गिल्ली डंडे से ही काम चला लेते हैं, उस तरीके से ये लोग खेलते हैं। तो पहले के टाइम पे भी ना ऐसी बहुत सारी स्टिक और बॉल की गेम्स होती थी, हॉकी स्टिक से लोग खेलते थे बॉल को, या फिर बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी जिससे एक निकल कर आया था क्रिकेट, ठीक है। The word bat is an old English word that simply means stick or club. अब bat का क्या मतलब था? Bat एक English word था जिसका मतलब होता है stick या फिर club, यानी कि हमारा bat कहाँ से निकला था? English word से निकला था।
By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. धीरे धीरे करके टाइम लेते लेते क्या हुआ, क्रिकेट बन गया एक ऐसा गेम जिसको लोग पहचानते थे. अब कोई नई चीज़ स्टार्ट करोगे, कोई नई बुक स्टार्ट हुई है तो आपको हमेशा तो एकदम से याद होनी चाहिएगा कि भाई मैम ने बताया था ये बुक है, एकदम से दिमाग में फिट हो गया, सालों साल याद रहा. ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है. तो यहाँ पर टाइम लगा और क्रिकेट क्या बन गया, बहुत ही बढ़िया सा गेम बन गया, लोग उसको पहचानने लगे. टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. अब यहाँ पर पहले क्या कैसे दिखते थे क्रिकेट के बैट्स, बैट्स हॉकी स्टिक्स की तरह दिखते थे. कैसे दिखते थे बैट्स, बिल्कुल हॉकी स्टिक की तरह दिखते थे. जैसे आजकल के बैट्स होते वैसे नहीं होते थे. ठीक है, ये एक चीज़ पता चल गई. देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पे अंडर आर्म बॉल फेंकी जाती थी, यानी कि अपने हाथ को घुमाकर इस तरीके से बॉल फेंकते थे ताकि हमारी जो हॉकी स्टिक है जिसको हम बैट बोलते थे पहले, उसके एकदम कॉर्नर से बॉल टच हो जाए और आराम से हमारा चौका या फिर सिक्सर लग जाए. यहाँ पर अलग अलग तरीके थे पहले क्रिकेट खेलने के, अब जाकर हमारा क्रिकेट अलग हुआ है. ठीक है, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ. अब यहाँ पर कितने दिन तक चल सकता है क्रिकेट, 5 दिन तक चल सकता है. कितने दिन तक भाई, 5 दिन तक चल सकता है. दूसरी क्या बात पता चली कि हम लोगों का बैट पहले हॉकी स्टिक होता था. ठीक है, नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट. अब यहाँ पर जो हमारे मॉडर्न स्पोर्ट्स हैं, यानी कि हमारा हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया और हमारा टेनिस हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, जितने भी आजकल के गेम्स हैं उसमें 5-6 दिन तो नहीं लगते, कम से कम 1 दिन में मैक्सिमम निपट गया, कुछ घंटों में निपट गए. बट क्रिकेट ही है जो कि 5 दिन तक चलेगा और फिर भी उसमें टाई हो जाते हैं, यानी कि दोनों टीम्स इक्वल ही चल रही होती हैं. तो क्रिकेट हमारा बहुत अलग तरीके का गेम है. यहां तक बच्चों को कोई डाउट है जल्दी से बच्चे बताएंगे, मैं कमेंट्स देख रही हूं, जल्दी से बताएंगे क्या डाउट है किसी बच्चे को. आई होप सबको यहां तक क्लियर है, अगर क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो बच्चों. हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, बुक का नाम है हनीकॉम्ब. ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर हम लोग आगे. बहुत सारे बच्चे क्लास में सिर्फ बातें करते रहते हैं, मैम पूछ रही हैं, मैम बता रही हैं, कोई ध्यान नहीं है. बेटा थोड़ा सा ध्यान यहाँ भी लगा लीजिए क्लास में. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ. अब यहाँ पर फुटबॉल मैच जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे में, 2 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे में चलो निपट जाएगा. बट क्रिकेट का मैच तो 5-6 दिन तक चलता है, इनफैक्ट लोग 6-6 दिन तक भी लेके जाते हैं, बहुत लंबा मैच खिंचता हुआ जाता है. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. अब यहाँ पे baseball जो है उसको बोल रहे हैं shorter version of cricket, यानी कि जो हमारा baseball का game है, sport activity है, इसको बोलते हैं modern cricket. क्या बोलते हैं, shortened version of modern cricket, यानी कि अभी तक क्या क्या पता चला, hockey stick को bat बोलते थे पहले, 5 दिन तक हमारा मैक्सिमम चलता था क्रिकेट का मैच, बेसबॉल को बोलते शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ क्रिकेट. ठीक है, आई होप यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ आया है अच्छे से. तो बच्चों, जो बच्चे क्लास में नए आए हैं उनको एक बार जल्दी से VIP कोर्स के बारे में बता देते हैं. VIP कोर्स क्या है बेटा, VIP कोर्स 14 जून से डाउटनेट पर ही स्टार्ट हो रहा है. ये कोर्स हमारा पेड है. अब पेड क्यों है भाई, मैम पैसे क्यों चार्ज करवाना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे इस कोर्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स, बहुत कम फीस और बहुत सारी पढ़ाई. क्या चाहिए बच्चों को और, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे बेटा. क्या होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिसमें आप लोग कभी भी 10 मिनट पीछे कर सकते हो, 10 सेकंड पीछे कर सकते हो, अपनी स्पीड से आराम से चल सकते हो. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को मैम कमेंट्स में बताएंगी आपके डाउट्स का आंसर, टीचर इंटरेक्शन होगा आप लोगों का. ठीक है, लाइव सेशन बीच बीच में रखे जाएंगे, आप लोगों को टेस्ट मिला करेंगे, हर हफ्ते टेस्ट होंगे. और क्या फ़ायदा है, आप लोगों को टेस्ट के अलावा मैम के नोट्स भी मिलेंगे. तब जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, वो क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं इंटरेस्टेड, या फिर क्या बताएंगे,
वो बच्चे कर सकते हैं पोल का जवाब, यानी कि पोल पे आपको जवाब देना है कि मैम हम लोगों को इंटरेस्ट है इस कोर्स में, आप लोगों को हाँ या फिर ना पे क्लिक करना है, क्या आप लोगों को 7th क्लास का VIP कोर्स ज्वाइन करना है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे जल्दी से कमेंट्स में कर देंगे, और जो बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हैं बहुत बढ़िया बात है बेटा, बड़े मज़े आने वाले हैं VIP कोर्स में, बहुत इन्जॉय करोगे, अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हमारा पोल हो गया है, ठीक है हमारा पोल हो गया, तो हम चलते हैं क्विज पे। हमारी स्टोरी ऑफ क्रिकेट जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हमारी क्विज पे चलते हैं। फर्स्ट क्विज है तो आप लोगों को आंसर्स देने हैं आपके क्वेश्चंस के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस स्टोरी इज अबाउट, अब ये जो कहानी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं किससे रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ स्नोफॉल, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हिस्ट्री ऑफ हॉकी, हिस्ट्री ऑफ बेसबॉल, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। जिनकी स्क्रीन पे क्विज नहीं आई घबराना नहीं है कि मैम क्विज नहीं आई, क्विज नहीं, आराम से कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चले आगे के क्वेश्चंस पे, जल्दी से बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, टिल 18th सेंचुरी बैट्स वर सेम एज, अब 18th सेंचुरी तक बैट्स को क्या बोला जाता था। बेस बैट, हॉकी स्टिक्स, स्टैंडिंग स्टिक, नन ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, नहीं तो स्क्रीन पे टैप करके आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टेस्ट मैच कैन गो अप टू, अब ये जो टेस्ट मैच होता है हमारा ये कब तक चल सकता है। अ टेस्ट मैच कैन गो अप टू, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। क्या सही जवाब होगा, 6 days, 4 days, 5 days, 10 days, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज शॉर्टेन वर्जन ऑफ क्रिकेट, अब यहाँ पर शॉर्टेन वर्जन ऑफ क्रिकेट को क्या बोलते हैं। बेसबॉल, हॉकी स्टिक्स, वॉलीबॉल, नन ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए, फिर कमेंट्स बताएंगे कि मैम हमारे तो चारों क्वेश्चन सही हैं, अच्छे से सारा चैप्टर समझ आया है। जल्दी से बच्चे बताएंगे क्या आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का। आ जाइए आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी इज अबाउट, ये जो कहानी है ये है भाई हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के बारे में, किसके बारे में है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा, क्या आंसर होगा फर्स्ट का, ए पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, टिल 18th सेंचुरी बैट्स वर सेम एज, अब 18th सेंचुरी तक क्या था, बैट्स कैसे थे, हॉकी स्टिक्स जैसे थे, कैसे थे, हॉकी स्टिक्स जैसे थे। सेकेंड का आंसर क्या होगा, बी पार्ट, सेकेंड का क्या आंसर होगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, अ टेस्ट मैच कैन गो अप टू 5 days, कितने दिन तक जा सकता है, 5 दिन तक, थर्ड का आंसर क्या है, सी पार्ट। कमेंट्स में जल्दी से बच्चे बताएंगे मैम हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज शॉर्ट इन वर्जन ऑफ क्रिकेट, बेसबॉल इज शॉर्ट इन वर्जन ऑफ क्रिकेट, फोर्थ का ए पार्ट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। जिन बच्चों के चारों सही है बेटा बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से क्लास में लगाए रखिए, न्यू वर्ड्स हमारे रह जाएंगे, और हमारे लिए एक अनाउंसमेंट है जिसका बच्चों को वेट करना है, ठीक है। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। अब यहाँ पर क्रिकेट का जो पिच है उसका क्या हमारा है, 22 yards फिक्स्ड है, यानी कि जो पिच होगा, जो हमारा ग्राउंड होगा वो 22 yards तक फिक्स रहेगा, बट हमारा जो शेप है और जो साइज़ है उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि भाई साइज़ क्या होना चाहिए और हमारा शेप कैसा होगा, सर्कुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कैसा शेप होना चाहिए वो नहीं बताया, बस पिच बता दिया कि पिच हमारी होनी चाहिए 22 yards की, ठीक है।
Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. अब football और hockey जैसे game के लिए ना एकदम fixed environment होते हैं, fixed dimensions होते हैं कि इतनी ही जगह है जिसमें तुमको hockey खेलनी है और football खेलना है. Cricket does not, पर cricket में ऐसी कोई foundations नहीं है कि भाई इसी boundary में खेलो वरना खेलने को नहीं मिलेगा. ऐसी कोई हमारी foundations नहीं है. Grounds can be oval like the Adelaide. ओवल और नियरली सर्कुलर. अब यहाँ पर ओवल भी हो सकता है या फिर ऑलमोस्ट सर्कुलर भी हो सकता है. लाइक चेपॉक इन चेन्नई. अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. अब यहाँ पर फिरोज शाह कोटला और हमारे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बीच में कंपैरिजन हुआ है कि वहाँ का ग्राउंड कैसा है, यहाँ का ग्राउंड कैसा है. वहाँ पर क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा अजीब और अजीब लगता है और टाइम भी बहुत लगता है. फिरोज शाह कोटला में थोड़ा कम टाइम लगता है. अलग अलग ग्राउंड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है. There is a historical reason behind both these oddities. Oddities यानी कि जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे grounds अलग हैं, कुछ circular हैं, कुछ oval में हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा area है, कुछ में कम है. तो ये oddities जो हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्यों हैं? Cricket was the earliest modern team sport to be codified. Codified यानी कि standardized with rules and regulation. क्रिकेट ही एक पहला ऐसा गेम था मॉडर्न गेम्स में जिस पे रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए कि भाई इतनी बाउंड्री होनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, इतने प्लेयर होने चाहिए, बैट्समैन इतने होंगे, बॉलर्स कितने होंगे और हमारे जितने भी कैच करने के लिए होंगे वो कितने होंगे, कैसे होगा, सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही थी, ठीक है. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744 में पहली बार लॉज लिखे गए क्रिकेट खेलने के कि भाई गेम खेलना है तो रूल्स के साथ खेलो वरना मत खेलो. दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. कितने अम्पायर होते हैं बेटा, टू अम्पायर होते हैं, यानी कि अम्पायर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि ऑलरेडी लॉज में लिख दिया गया था, ठीक है. The stumps must be 22 inches high and the bail across them 6 inches. अब यहाँ पर हमारे जो आगे बैट्समैन के आगे वो जो तीन स्टिक्स रखी होती हैं वुडन स्टिक्स, वो होती हैं स्टम्प्स और वो 22 इंच लंबी होनी चाहिए और 6 इंच हमारी होनी चाहिए उसकी गोलाई. The ball must be between 5 and 6 ounces. अब बॉल का जो वेट होना चाहिए 5 या 6 ounce होना चाहिए, उससे हल्का नहीं, उससे भारी नहीं. हर चीज़ का ना एकदम डिस्क्राइब्ड रूल था कि हम लोगों का ऐसे बॉल होगा, इतना भारी बैट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लाइन से आगे नहीं जाना, इस लाइन से पीछे नहीं जाना, बॉल इतनी तेज़ नहीं फेंकनी, फोर के हमारा जो फोर रन होता है, सिक्स रन होता है, ये सारी चीज़ें रूल्स में लिख दी गई थी पहले. एंड द टू सेट ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट. The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s and the Marylebone Cricket Club MCC was founded in 1787. अब यहाँ पर Hambledon और Marylebone यहाँ पर क्रिकेट क्लब है. पहले कौन सा बना था? Hambledon. कौन सा क्लब बना था? Hambledon. ये हमारे क्लब्स बने थे क्रिकेट के सबसे पहले. During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब यहाँ पर ना पहले तो ऐसे बॉल फेंकते थे, उसके बाद ऐसे 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 करके इस तरीके से हवा में बॉल को उछालने लग गए. धीरे धीरे क्रिकेट ने भी चेंजेस एक्सेप्ट करे, अलग अलग रूल्स बने, अलग अलग तरीके टेक्निक्स आई थी हमारी. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से कॉमेंट्स में बताएंगे मैम यहाँ तक क्लियर है. अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो. क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं तो थम्स अप दिखा दो. मैम आराम से समझ आ रहा है, आगे पढ़ाते जाइए. तो बच्चों के कमेंट्स दिख रहे हैं कि मैम सब कुछ क्लियर है, थम्स अप आ रहे हैं. चलिए चलते आगे. दिस चेंज गेव बाउलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर. डिसेप्शन थ्रू द एयर यानी कि द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर हेंस पॉसिबली वेराइटी ऑफ डिसेप्शन इन बॉलिंग. अब यहाँ पर आसमान की ओर से बॉल फेंकने का एक नया तरीका मिला था. कोई बच्चा लिख रहा है मैम आई हैव अ डाउट. बताइए बेटा क्या डाउट है? द एयर प्लस इंक्रीज पेस. अब यहाँ पर ना जो बॉलर्स थे हमारे जो बॉल फेंकते थे उनको एक वो मिल गया था, एक नया तरीका मिल गया था या फिर उनको एक फ़ायदा मिला था. क्या फ़ायदा मिला था? कि वो लोग अपनी ही स्पीड के हिसाब से तेज़ से बॉल फेंक सकते हैं, धीरे से बॉल फेंक सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है.
इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सिलेक्शन. शॉर्ट सिलेक्शन यानी कि चॉइस ऑफ स्ट्रोक्स, किस तरीके से बॉल फेंकनी है, कितनी स्पीड से फेंकनी है, कहाँ से फेंकनी है, उल्टे हाथ से फेंकनी है, सीधे हाथ से फेंकनी है, क्या चीज़ हमारी स्पीड में रहेगी, डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें बैट्समैन के हाथ में होती थी और बॉलर्स के हाथ में होती थी. यानी कि हम लोगों को बैट्समैन को भी पता चल जाए कि भाई बॉल इतने डिस्टेंस से आ रही है और बॉलर जो है वो भी अच्छे से फेंक पाए. ये सारी चीज़ें हमारे क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुई थी. वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन. अब जो हमारा मुड़ा हुआ बैट होता था ना, उससे हमारा सीधा बैट आ गया था. सीधा बैट जैसा हमारा होता है वैसा ही बैट थोड़े टाइम बाद क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो गया था. द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5 3/4 ounces एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 inches. बैट की जो विथ थी वो 4 inches पे कन्वर्ट हो गई थी. ठीक है. In 1774, the first leg before law was published. Also around this time, a third stump became common. By 1780, 3 days had become the length of a major match. 1780 के time तक क्या हुआ था, हमारी maximum length एक match की 3 दिन बन गई थी. पहले कितनी थी, 5 दिन थी. उसके बाद धीरे धीरे आके 3 day हमारा match convert हो गया था. And this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. और पहली बार 6-seam वाली क्रिकेट बॉल थी. यानी कि 6 तरफ से हमारे 6 तरफ से उसकी सिलाई थी. अलग अलग तरीके से वो बंधी हुई थी. हमारी बॉल काफ़ी अलग होती थी पहले के टाइम में. ठीक है. आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया है. कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को. आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है. चले फिर हम लोग क्विज पे आइए, चलते हैं हम लोग फिर सेकंड क्विज पे. हमारी सेकंड क्विज आने वाली है आपकी स्क्रीन पे. अगर स्क्रीन पे नहीं आती तो आप लोगों को कमेंट्स में आंसर बताने हैं. ठीक है. चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड टू. अब ये जो लेंथ है हमारी पिच की, इसकी क्या लेंथ थी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से बच्चे आंसर देंगे. अगर स्क्रीन पे नहीं आई, टैप नहीं कर पा रहे तो कमेंट्स में आंसर दे सकते हो. ठीक है. कमेंट्स में आराम से आंसर बता सकते हो आप लोग मुझे क्वेश्चन का. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे. चले सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा. इट वॉज डिसाइडेड ऑलरेडी दैट देयर शुड बी बाउंड्रीज, अंपायर्स, स्पेक्टेटर्स, नन ऑफ द अबव. एक हिंट मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कि हम लोगों का 2 होगा यहाँ पे. क्या होगा, 2 होगा. अब देख लीजिए, यहाँ पर बाउंड्रीज 2 होंगी, अंपायर्स 2 होंगे, स्पेक्टेटर्स 2 होंगे या फिर नन ऑफ द अबव. वॉट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्मड इन. पहला क्रिकेट का क्लब कहाँ पर फॉर्म हुआ था. हैमिल्टन, हेमिस्फेयर, हेम्बलेडन, हेम्पशायर. व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा. फिर हम एक बढ़िया सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं. चले फिर हम लोग आंसर पे. आई होप बच्चों को क्लियर है. तो चलिए आंसर्स पे चले फिर हम लोग. चलिए आ जाते हैं हम लोग आंसर्स पे. बच्चे जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे कि मैम ये आंसर है. जो अभी अभी आए हैं क्लास में, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और आंसर साथ साथ कमेंट्स में देते जाइए. लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड टू 22 yards. क्या आंसर हो गया, 22 yards. फर्स्ट का ए पार्ट विल बी द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है. इट वॉज डिसाइडेड ऑलरेडी दैट देयर शुड बी 2 umpires. क्या होने चाहिए, 2 umpires होने चाहिए जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत. सेकेंड का आंसर होगा बी पार्ट. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है. वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्मड इन हेम्बलेडन. कहाँ फॉर्म हुआ था, हेम्बलेडन. थर्ड का आंसर है सी. आई होप सबके क्विज ठीक है. जिनकी गलत है कोई बात नहीं, आराम से दोबारा क्लास देख सकते हो.
न्यू वर्ड्स कौन से हैं बेटा हमारे? न्यू वर्ड्स है मोमेंटस फर्स्ट वर्ड है, यानी कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, यानी कि जो कि पहले कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं हो, बिल्कुल अलग चीज़ हो, बिल्कुल हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट हो, ज़रूरी हो। हर विन इन द इलेक्शन वॉज मोमेंटस, यानी कि एक लड़की जीत गई इलेक्शन में जो कि मोमेंटस बन गया, यानी कि बहुत ही यादगार पल बन गया जो कि बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के लिए। सेकेंड है क्विर्क, अ स्ट्रेंज हैबिट, यानी कि कोई अलग आदत होती है हर इंसान की, किसी की नाक, हमारी नाखून चबाने की आदत होती है किसी की, कुछ को आदत होती है ऐसे नाखूनों को रगड़ने की, तो ये सारी जो आदत है ये हमारे क्विर्क है, यानी कि अ स्ट्रेंज हैबिट। हिज बिगेस्ट क्विर्क इज़ हिज लव ऑफ ओल्ड बुक्स, अब यहाँ पर एक लड़के की बहुत अच्छी आदत है कि उसको पुरानी बुक्स को इकट्ठा करने का शौक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छे से। हमारे न्यू वर्ड्स भी हो गए हैं, हमारा चैप्टर यहीं तक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अब बेटा एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कि हमारी कल से 5 बजे की जो लिटरेचर की क्लास है वो रेगुलर नहीं होगी। बीच बीच में आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की या फिर वोकैबुलरी के सेशंस हो सकते हैं जिसमें जनरल हमारी नॉलेज रहेगी, इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग नए नए टॉपिक्स ला सकते हैं। तो हमारी लिटरेचर की क्लास बस आज तक ही है, बीच बीच में रेगुलरिटी नहीं होगी, यानी कि हमारी क्लास कभी हो सकती है कभी नहीं हो सकती। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बाकी के टीचर्स अपडेट में मिल जाएंगी, मैथ, सोशल साइंस, ग्रामर की सारी क्लासेस रेगुलर होंगी हमारी, सेम टाइम पर होंगी, ठीक है। यानी कि 4 बजे की हमारी जो ग्रामर की क्लास है वो फिक्स है, आप उसमें मैम से पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को इंग्लिश के डाउट्स हुआ करेंगे, ठीक है। तो चले बच्चों, चले फिर हम लोग क्लास को ओवर करें, अगर सबको सही से सब कुछ समझ आ गया है तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा अपना, बाय, टेक केयर।